स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू रिमेन चैप्टर माय फाइनेंशियल करियर। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट वी आर रनिंग इन दिस ऑन दिस लाइन। ओके, तो जब वो एक चेक बुक लेने के बाद उस पर यानी कि उसको कुछ पैसे निकालने हैं, कुछ डॉलर निकालने हैं, वो $6 निकालना चाहता है और उसके लिए वो चेक बुक लेता है और चेक बुक पर कुछ लिख कर यानी कि कुछ साइन वगैरह करके और उस पर जितने भी पैसे निकालने होते हैं वो लिख कर वो एक क्लर्क को पकड़ा देता है। ओके स्टूडेंट, कौन? राइटर। ठीक है, अब उसके बाद जो क्लर्क है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम अपने सारे पैसे फिर दोबारा से निकालना चाहते हो? देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। अब उसको जब ये एहसास होता है कि मैंने 6 की जगह पर 56 लिख दिया है, तो अब मैं ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। अब वो सोच रहा है कि अगर मैंने ये बात बता दी तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसीलिए वो बोलता है कि हाँ, मैंने ये सब देख लिया है, मैंने ये जो लिखा है मैंने ये सोच समझ कर ही लिखा है, ये मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना दिमाग बना लिया है कि मैं सारे पैसे ही निकाल लूँगा। ठीक है, अब फिर से जो क्लर्क है वो बोलता है, क्या तुम सारे पैसे निकालना चाहते हो? एक भी रुपया इसमें छोड़ना नहीं चाहते हो? तो जो राइटर है वो बोल देता, हाँ मैं सब कुछ निकालना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर जमा करके नहीं रखना चाहता। ठीक है, अब जो उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी थी क्योंकि उसने गलती से लिखा था, लेकिन वो ये एहसास दिलाना चाहता था कि सब लोग ये सोचें कि ये जो आदमी है इससे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ये अपने आप ही सारे पैसे अपने निकालना चाहता है। ठीक है, उसके बाद वो आदमी जो है अपने सारे पैसे उसमें से निकाल लेता है और जो बड़ा सा दरवाज़ा है वहाँ से होकर वह निकल कर बाहर चला जाता है। और जब वो आदमी बाहर निकल कर चला जाता है, जो राइटर है तो बाहर जाकर वो देखता है कि दरवाजे से अंदर से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। वो समझ जाता है कि जो मैंने अभी पैसे जमा किए और निकाले ये उसी को सोच कर सारे लोग अंदर हंस रहे हैं। I keep my money in cash in my trouser pocket and saving in silver dollars in a sock। तो जबी से मैंने बैंक में कभी भी कोई खुलवाया और मैंने अपने सारे पैसों को हमेशा ट्राउज़र की जेब में रखा, और जो हमारे मेरे बचने के पैसे थे, जो मुझे बचा कर रखने थे, जो सिल्वर डॉलर्स थे, उनको मैंने हमेशा अपने सॉक्स में रखा। ओके स्टूडेंट, ये जो राइटर हैं इन्होंने इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट आउट करके दूंगी। सो थैंक यू एंड गुड बाय।